द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी ब्रिक मैंसन। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डिस्टोपियन डेट्रॉइट नाम के शहर में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण उस शहर को चारों तरफ से दीवार से घेर दिया जाता है ताकि बाकी शहर उससे सेफ रह सके, जिसके बाद ऊंची दीवारों की वजह से उस शहर का नाम डेट्रॉइट से बदलकर ब्रिक मैंसन रख दिया जाता है और वहां के लोगों से उनके हॉस्पिटल, स्कूल, बाहरी शहरों से नेटवर्क सब छीन लिए जाते हैं। यहां तक कि अगर किसी को ब्रिक मैंसन के अंदर या बाहर जाना हो तो उसके लिए भी उन्हें परमिशन की जरूरत पड़ती थी। और अब इस हादसे को 4 साल बीत चुके होते हैं और गवर्नमेंट के ब्रिक मैंसन को लावारिस छोड़ने की वजह से पूरे शहर में माफिया ड्रीमैन का कंट्रोल रहता है। पर वहीं हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम लीटो रहता है, जो ड्रीमैन से बगावत किए हुए रहता है और ड्रीमैन को सबक सिखाने के लिए लीटो उसके आदमियों को मारकर 20 किलो व्हाइट पाउडर उससे छीन लेता है, जिस वजह से ड्रीमैन का खास आदमी केटू अपने आदमियों के साथ लीटो के घर पर वो पाउडर लेने आता है। पर इससे पहले वो लीटो तक पहुंचते लीटो सारे पाउडर्स को पानी और केरोसिन से बर्बाद कर देता है और आखिर में जब केटू लीटो तक पहुंच जाता है उसे पकड़ने, तब लीटो उन सारे लोगों के सामने से भाग जाता है और वो उसे छू भी नहीं पाते क्योंकि लीटो बहुत फुर्तीला और जिमनास्ट रहता है। लीटो के बचकर भागने से ट्रीमैन केटू पर बहुत नाराज होता है और गुस्से में अपने एक आदमी को केटू के सामने गोली मार देता है, जिससे केटू की हालत खराब हो जाती है और वो ट्रीमैन का गुस्सा शांत करने के लिए उससे कहता है कि उनके पास लीटो को पकड़ने का एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि अगर वो लीटो की गर्लफ्रेंड लोला को किडनैप कर ले तो लीटो खुद ब खुद उसे बचाने के लिए उनके पास आ जाएगा। केटू की बात सुनकर ट्रीमैन उसे एक और मौका देता है अपनी गलती सुधारने का, जिसके बाद केटू तुरंत अपने आदमियों के साथ ब्रिक मैंसन से बाहर जाकर लोला को किडनैप करके ले आता है। वहीं ब्रिक मैंसन के दूसरी तरफ शहर में हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम डेमियन रहता है, जो अपने काम में बहुत माहिर रहता है और कई सालों से ट्रीमैन को पकड़ने के लिए मौका ढूंढ रहा होता है क्योंकि 4 साल पहले जो दंगा हुआ था उसमें ट्रीमैन ने डेमियन के पिता को मार दिया था, जो खुद भी पुलिस ऑफिसर थे। इधर ब्रिक मैंसन में लोला का किडनैप होते हैं, ट्रीमैन का प्लान काम कर जाता है, लीटो लोला को बचाने के लिए उनके पास आ जाता है। पर इन लोगों से एक गलती हो जाती है, ये लोग लीटो को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ बैठे थे, जिसका खामियाजा ट्रीमैन को भुगतना पड़ता है। दरअसल लीटो ट्रीमैन के अड्डे पर आकर लोला को तो बचाता ही है और साथ में लीटो उल्टे ट्रीमैन को किडनैप करके ब्रिक मैंसन के बॉर्डर पर खड़े पुलिस वालों को सौंप देता है। पर लीटो भी ट्रीमैन के पावर को समझने में गलती कर देता है। लीटो ट्रीमैन को जैसे ही पुलिस वालों के हवाले करता है तो उसे पता चलता है कि ट्रीमैन ने अपने पैसों की पावर से उन पुलिस वालों को भी खरीद के रखा होता है, जिससे लीटो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में वहां के जनरल को मार देता है। पर उसके ऐसा करते ही वो और फंस जाता है और उसे मेन जेल में भेजा जाने लगता है। पर इसी दौरान ब्रिक मैंसन के दूसरी तरफ शहर का मेयर डेमियन को बुलाता है और उसे एक मिशन पर जाने के लिए कहता है क्योंकि ट्रीमैन ने एक आर्मी ट्रक को चुरा लिया होता है जिसमें एक ऐसा बॉम्ब रहता है जिससे पूरा शहर खत्म हो सकता था और उस बॉम्ब में एक टाइमर लगा होता है जिससे अगर कोई बॉम्ब के बॉक्स को गलत तरीके से खोलेगा तो वो बॉम्ब ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और 48 घंटों में खुद ही फट जाएगा। मेयर की बात सुनकर डेमियन ट्रीमैन को सबक सिखाने के लिए इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। पर जाने से पहले मेयर डेमियन को ये भी बताते हैं कि वो बॉम्ब कुछ वक्त पहले ही एक्टिव हो चुका है तो अब उसके पास टाइम बहुत कम है, उसे ब्रिक मैंसन जाकर उस बॉम्ब को जल्दी डीएक्टिवेट करना होगा। मेयर की बात सुनकर डेमियन शॉक हो जाता है और उनसे कहता है कि वो इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे करेगा क्योंकि सबसे पहले तो ब्रिक मैंसन में घुसना ही सबसे बड़ी बात है। डेमियन की बात सुनकर मेयर उससे कहते हैं कि उन लोगों ने पहले ही इसका सॉल्यूशन सोच कर रखा है और वो सॉल्यूशन ये है कि उसे कैदी बनाकर लीटो के वैन में जेल जाने के लिए बैठा दिया जाएगा, जिसके बाद उसे लीटो को वैन से छुड़ाकर उसका भरोसा जीतना होगा और उसके साथ मिलकर अपना मिशन पूरा करना होगा क्योंकि लीटो भी ट्रीमैन से बदला लेना चाहता है। मेयर की बात सुनकर डेमियन ऐसा ही करता है, वो भी एक कैदी बनकर लीटो के वैन में जाकर बैठ जाता है और जब वैन उन दोनों को जेल ले जा रही होती है तब डेमियन वैन में बैठे दोनों पुलिस वालों को मारकर बाहर फेंक देता है और लीटो के साथ एक सीक्रेट रास्ते से ब्रिक मैंसन में घुस जाता है। पर डेमियन की इतनी होशियारी से लीटो समझ जाता है कि वो एक पुलिस वाला है, जिसके बाद लीटो डेमियन को उसी वैन में लॉक करके वहां से भाग जाता है। पर क्योंकि डेमियन एक डिटेक्टिव रहता है तो वो लीटो को भागने से पहले उसके पॉकेट में एक ट्रैकर रख देता है, जिसके बाद डेमियन लीटो का पीछा करके उस तक पहुंच जाता है और उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है और अपने वहां आने का मकसद भी। डेमियन की बात सुनकर लीटो को उस पर यकीन हो जाता है और फाइनली दोनों साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करते हैं। पर लीटो डेमियन के सामने ये शर्त रखता है कि वो उसके प्लान के हिसाब से काम करेंगे, जिसके बाद डेमियन लीटो के बताए रास्ते पर चल देता है, जिसका उसे बाद में बहुत अफसोस होता है कि उसने लीटो की बात क्यों मानी। दरअसल लीटो को डायरेक्ट फाइट करने की आदत थी, जिस वजह से वो सीधे डेमियन के साथ ट्रीमैन के आगे टपक पड़ता है और पकड़ा जाता है। और दोनों के पकड़े जाने के बाद ट्रीमैन इन दोनों को अपना आगे का प्लान बताता है कि उसने चुराए हुए बॉम्ब को अपने रॉकेट में फिट कर दिया है, जिसका निशाना ब्रिक मैंसन के बाहर शहर की तरफ है और इसके साथ ही उसने उस रॉकेट में लोला को भी बांध दिया है। तो अब अगर उन्हें बॉम्ब को डिफ्यूज करना है और लोला को उनकी कैद से छुड़ाना है तो उन्हें उसे 30 मिलियन देने होंगे। ट्रीमैन की शर्त सुनकर डेमियन मेयर को कॉल लगाता है पैसे मांगने के लिए ताकि वो पूरे शहर को बचा पाए, पर मेयर डेमियन से कहते हैं कि शहर कंगाल है, वो उनकी पैसों से कोई मदद नहीं कर
सकते तो उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मेयर से बात करने के बाद डेमियन ट्रीमैन से झूठ कहता है कि उसने बात कर लिया है, पैसे उसे जल्दी मिल जाएंगे। डेमियन की बात सुनकर ट्रीमैन उन्हें 25 मिनट तक का टाइम देता है और उनसे कहता है कि अगर उसे 25 मिनट में पैसे नहीं मिले तो वो रॉकेट को शहर की तरफ लॉन्च कर देगा। और ये कहकर ट्रीमैन डेमियन और लीटो को एक जगह पर कैद कर देता है, जिसके बाद डेमियन लीटो को बताता है कि उसने ऊपर झूठ कहा था। मेयर उन्हें कोई पैसे नहीं भेज रहे, ट्रीमैन को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। डेमियन की बात सुनकर लीटो को शॉक लग जाता है और सभी को बचाने के लिए लीटो डेमियन के साथ मिलकर मरने की एक्टिंग करता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ 25 मिनट होते ही ट्रीमैन देखता है कि उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, ऊपर से उल्टा उसके बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे मेयर के लोगों ने सब उड़ा दिए। जिसके बाद ट्रीमैन मेयर की इस हरकत से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और उसी वक्त जाकर रॉकेट को लॉन्च करने का डिसाइड करता है, पर वो लॉन्च के बटन को प्रेस नहीं कर पाता और अपनी टीम की एक मेंबर से कहता है कि वो इतना जालिम नहीं है कि अपने मतलब के लिए लाखों लोगों की जान ले ले। ट्रीमैन की बात सुनकर उसकी टीममेट उस पर गोली चला देती है, ये कहकर कि अब वो कमजोर पड़ गया है, पर इससे पहले वो ट्रीमैन को मारती लोला अचानक से उस पर अटैक करके उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। इसी बीच तब तक डेमियन और लीटो भी वहां पहुंच जाते हैं और डेमियन ट्रीमैन को इतने करीब देखकर उससे कहता है कि वो उसे मार देगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। पर तभी ट्रीमैन डेमियन से कहता है कि वो उसे उस गलती की सजा नहीं दे सकता जो उसने किया ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जब उसके पिता के दंगे में मारे जाने के बाद ब्रिक मैनसन का ऑर्डर पास हुआ था तो उसने अपने बिल्डिंग के सारे कैमरास को चेक किया था, जिसमें उसने देखा था कि उसके पिता को उनकी ही टीम वालों ने गोली मार दिया था और सबके सामने ऐसा दिखाया गया था कि उन्हें उसने गोली मारा था ताकि सरकार ब्रिक मैनसन के लोगों को पूरी तरह से गैंगस्टर समझे और उन्हें बाकी लोगों से अलग करने का ऑर्डर पास कर दे। ट्रीमैन की बात सुनकर डेमियन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, पर उसे ट्रीमैन की बातों पर भरोसा नहीं होता, जिसके बाद वो ट्रीमैन को मारने के लिए बढ़ता है। पर तभी लीटो डेमियन को रोक लेता है और उसे कहता है कि बॉम्ब को ऑफ करने के लिए जो उन्हें कोड मिला है उसमें कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो कोड ब्रिक मैनसन का जिप कोड है। लीटो की बात सुनकर डेमियन को लगता है कि ये कोई इत्तेफाक है और वो लीटो से कोड डालने के लिए जिद करने लगता है, पर तभी ट्रीमैन डेमियन पर गन तान देता है और उसे बॉम्ब के काउंटडाउन खत्म होने तक रुकने को कहता है, जिसके बाद डेमियन को मजबूरन रुकना पड़ता है। और जैसे ही बॉम्ब का काउंटडाउन खत्म होता है तो ये देखते हैं कि बॉम्ब फटा ही नहीं, जिसके बाद सभी को असलियत समझ में आ जाती है कि जो कोड मेयर ने भेजे थे अगर वो कोड उन्होंने डाल दिया होता तो बॉम्ब उसी वक्त पूरे ब्रिक मैनसन में फट जाता और यही मेयर का प्लान था कि वो कोड डाले और बॉम्ब ब्रिक मैनसन में फट जाए। इसके बाद ट्रीमैन डेमियन और लीटो को यह भी बताता है कि वो कोई शौक से गैंगस्टर नहीं बना था, उसे ब्रिक मैनसन को लोगों को पालने के लिए गलत रास्ता चुनना पड़ा था और इन सबके पीछे शुरू से ही मेयर का हाथ था। पहले उसने डेमियन के पिता को यूज किया ब्रिक मैनसन को बाकी शहरों से अलग करने के लिए और अब उसने उसे यूज किया था ब्रिक मैनसन के लोगों को खत्म करने के लिए ताकि वो अपने अरबों के प्रोजेक्ट को ब्रिक मैनसन में शुरू कर सके। मेयर की असलियत पूरी तरह से जानने के बाद डेमियन और लीटो ट्रीमैन और बाकी ब्रिक मैनसन के गैंगस्टर के साथ मिलकर मेयर के ऑफिस में अटैक करते हैं और उसका सच बिना उसके पता चले रिकॉर्ड करके सबके सामने लाते हैं, जिसके बाद मेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है और ब्रिक मैनसन से सारी पाबंदियां हटा दी जाती है और ट्रीमैन डेमियन से खुश होकर उसे एक महंगी कार गिफ्ट करता है और खुद मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है और मूवी यहां खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हां, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।